जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रश्मि बर्वे का जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द करना गैर कानूनी है। इसी संदर्भ में आज रश्मि बर्वे द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद से चर्चा में चल रही रश्मि बर्वे के जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द करने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नागपुर पीठ ने उन्हें राहत देते हुए उनका जाति वैधता प्रमाण पत्र बहाल करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब राज्य सरकार की इस अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और नागपुर पीठ द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है, जिसके संदर्भ में अधिक जानकारी साझा करते हुए रश्मि बर्वे ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल करते हुए कहा कि क्या एक गरीब दलित महिला को समाज में अपना नेतृत्व स्थापित करने का अधिकार नहीं है? क्या एक दलित गरीब महिला होने के नाते क्या मैं आपकी लाडली बहन नहीं हूँ? क्या कामाच्या गुंतवण्यामुळे राज्य सरकारने निकाल दिला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निकाल दिला आणि हा जो अधिकारी आहे या अधिकाऱ्यावर पूर्ण यंत्रणेचा शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांनी हे शासनाला दबून हे कटकारस्थान रचलेलं आहे आणि या अधिकाऱ्यांना फक्त राहुल पांडेच नाही तर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आणि त्यांना योग्य ती शिक्षा देण्याचा आमचा मुद्देसूद आम्ही त्या दिशेने जाऊ आणि तो प्रयत्न आमचा राहील। लोकसभेमध्ये जरी माझं नामांकन रद्द केलं मी आता सांगितल्याप्रमाणे, पण माझ्या घरी माझ्या पतीला श्यामकुमार बर्वे यांना उमेदवारी दिली। विधानसभेमध्ये एक चांगल्या पद्धतीने, कारण लोकसभेचा जो विजय झाला याचीच एक पडछाया विधानसभेमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसून पडेल। एक पक्षाची एकनिष्ठ कार्यकर्ता म्हणून साहेबांच्या आदरणीय केदार साहेबांच्या नेतृत्वात साहेबांच्या मार्गदर्शनात आणि पक्ष ज्या पद्धतीने आम्हाला सांगेल गाईड करेल त्या पद्धतीने आम्ही सहाही विधानसभा पिंजून काढू आणि समाजामध्ये जी यांची मनुवादी विचारसरणी आहे, महिलांविरोधी विचारसरणी आहे, बहुजन समाजांविरोधी विचारसरणी आहे, ही खालच्या लोकांपर्यंत जाऊन सांगण्याचा आमचा नक्कीच प्रयत्न राहील। मी कधीच तुमचं स्टेटमेंट तुम्ही आतापर्यंत बघून घ्या की लोकसभेमध्ये सुद्धा मी स्वतःहून आमच्या नेत्यांकडे किंवा मी एक वेळा तरी दिल्ली किंवा मुंबईला जाताना तुम्हाला कुठेही मी आढळली नसेल। आमचं नेते आदरणीय केदार साहेब यांनी जे आम्हाला सांगतात, जे आम्हाला मार्गदर्शन करतात, तीच आमची एक वाट असते की केदार साहेब जो आदेश देतील त्या आदेशांवर आम्हाला काम करायचं आहे। मी कधीही म्हटलेलं नाही की मला समोरच्या विधानसभेमध्ये मला कुठल्याही प्रकारची मला संधी देण्यात यावी, अजिबात नाही। माझा हेतू आहे की इतकी मोठी जी जबाबदारी लोकसभेमध्ये मिळाली तर माझे पती आणि मी आम्ही दोघेही मिळून ही इतकी मोठी जबाबदारी आम्ही सक्षमरित्या पार पाडू आणि साहेबांनी दिलेला विश्वास हा खरा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, त्यावरच आम्ही कायम राहू। रश्मी बर्वे मॅडम एक प्रॉमिनेंट पर्सनालिटी है, ऑथेंटिक पर्सनालिटी है और बहुत ही स्किलफुली इनके अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की गई और ऑथोरिटीज को भी जो है अपने प्रेशर में लिया गया और बहुत प्री प्लानिंग से एक बहुत ही अल्प समय में एक हफ्ते के अंदर इनकी जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट थी वैधता प्रमाण पत्र शेड्यूल कास्ट उसको कैंसिल करवाया। अब ये जो मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी है बाय द ऑथोरिटीज, चाहे वो स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर्स हो, अंडर सेक्रेटरी हो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, जो भी, ऐसा ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे देश के सामने आया है जिसको मद्देनजर में रखते हुए हमारा संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहती है, ये सब प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आए थे। इसके साथ ही आयोजित पत्र परिषद में बर्वे के वकील शैलेश नारनौरे ने कुछ मुद्दों को लेकर पत्रकारों से संवाद साधा।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज की वन डे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार्ट, मॉक का कुआ, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावनी रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।